कहानी सुखी परिवार का राज। एक नगर में 30 कुटुंबियों का परिवार सुख शांति पूर्वक रहता था। सबकी अपनी अपनी दुकानें होने के बावजूद भी सब एक साथ खाते पीते और रहते थे। एक बार किसी ने उनके वयोवृद्ध पिता से पूछा, आपके पुत्र और घर के सभी लोग आपके बड़े आज्ञाकारी हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? उन सज्जन ने उत्तर दिया, भैया वास्तव में तो कोई किसी का आज्ञाकारी नहीं है। सच तो यह है कि मैं किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता, सबको देखता रहता हूँ और यही शिक्षा उनको देता रहता हूँ, जो हो रहा है उसे मात्र जानो, क्योंकि वही होने वाला था जो हो रहा है। इस नीति के कारण घर में सुख शांति रहती है। इस दुनिया में आज जितने भी परिवारों में अशांति रहती है, उसका वास्तव में मूल कारण है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करना। अगर हम परिवार और जगत के परिणमन के मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे तो हमें इतनी आकुलता और अशांति नहीं होगी। अगर हमें कमजोरीवश किसी से कुछ कहने का भाव भी आता है तो हमारा संबोधन समतामय होना चाहिए, तथा हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाला हमारी बात माने या ना माने, वास्तव में यह तो भवितव्य आदीन ही है। Thank you.